नमस्कार। मशहूर आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो ने कभी कहा था कि मैं जिंदगी में इतना कुछ इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने हर उस असंभव को करने का प्रयास किया जो मुझे लगता था मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो इस समय भी परिस्थितियां ऐसी ही हैं, बहुत कुछ आपको असंभव लग रहा होगा, लेकिन इसे अगर संभव करने का प्रयास करें, एक नए सिरे से चीजों को समझने की कोशिश करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन बदली परिस्थितियों में भी आप संभव न कर दिखाएं। और उसे संभव बनाने के लिए आपके साथ आज भी मौजूद हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर स्वागत है। जी नमस्कार। तो आइए सर, सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं, उसके बाद दिन कैसा है उसे भी समझा जाएगा आपके साथ। आज 3 मई 2020 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है, सुबह 9:09 तक और उसके बाद एकादशी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, रात 9:43 तक और उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 3:09 पर। आज मोहिनी एकादशी है स्मार्तों के लिए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को मोहिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके व्रत से मोह और भोग की लालसा में फंसे हुए मनुष्य को कर्म फल से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा। तो आगे बढ़े इससे पहले ध्यान दीजिए इस बात पर कि ये एपिसोड साप्ताहिक है, आपके सप्ताह भर की तैयारी हम आपको कराने जा रहे हैं। तो आइए सप्ताह भर की तैयारी में आगे बढ़ते हैं और बस ध्यान इसी बात पर आपको देना है कि इन बदली परिस्थितियों में कैसे खुद को बदलना है ताकि आप अपने भविष्य को अपने हित में बदल पाएं। तो आगे बढ़ते हैं मेष और वृषभ के साथ। मेष राशि वालों को आर्थिक स्थिति से जुड़ी नई संभावनाओं की ओर देखना और जिंदगी को फिर से सही रफ्तार देने की कोशिश करनी है। घबराहट के दौर को पीछे छोड़ के अब नई उमंग से आगे बढ़ने का समय बनता चला जा रहा है, उसका पूरा फायदा उठाना भी बहुत जरूरी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम के प्रति लगन अच्छी है और आप किसी भी तरह की मुश्किल को अपने भरोसे से संभाल सकते हैं, पर बहुत ज्यादा सख्त विचार बनाते चले जाने से बचने की जरूरत है। धैर्य बनाए रखते हुए ही हर स्थिति को संभाला जा सकता है, आपकी एकाग्रता इसमें आपका पूरा साथ। क्या ना करें इस सप्ताह में? कुछ नया सीखने और पा लेने की इच्छा है और इस प्रयास में आपको अपनी मेहनत पे और अपनी लगन पे भरोसा करना। इच्छा बना लेने से आधी जंग तो जीत ली जाती है, पर उस इच्छा को मेहनत में परिवर्तित करने में कोई कमी रखना ठीक। वृषभ राशि वाले किसी बड़े फैसले का विचार बना रहे जिसमें आपको अपनों से दूर भी जाना पड़ सकता है, और फैसला करने से पहले हर चीज पर ध्यानपूर्वक गौर करने की भी जरूरत है क्योंकि अपनों से दूर जाने का मन नहीं है आप। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज से जुड़े फैसलों को लेकर हो सकता है आपके अपने कुछ हद तक नाराज हो, पर यह चीज अपनी ही परेशानी खड़ी कर रही है क्योंकि रिश्तों में किसी भी तरह की कमी आ जाना पैसे के नुकसान से कहीं बढ़कर, इसलिए फिर से सोच लेने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने पैसे को कहीं ऐसे निवेश में ना लगाएं जिसमें आगे चलकर आपको अपने आर्थिक स्थिति को संभालना मुश्किल हो। वैसे भी किसी बात को पूरी तरह से परखे बिना उसमें पैसा लगाना इस समय ठीक नहीं हो। तो किसी भी बात को परखे बिना उसमें आगे नहीं बढ़ना है, किसी भी जगह ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हमें सवाल लेना है ज्योतिष गुरु, और हमारे सामने एक सवाल आया है, इनका नाम है शोवन साहा। 28/2/2005 7:55 सुबह इनका जन्म हुआ है नवद्वीप नादिया वेस्ट बंगाल। सवाल इनका ये है कि 10th एग्जामिनेशन इनका कैसा रहेगा, 10th का एग्जामिनेशन ये देने जा रहे हैं, और आगे इनका भविष्य कैसा रहेगा और कौन सी लाइन में जाना चाहिए। तो फिलहाल तो 10th में है, पहले तो पढ़ना ही चाहिए, इनकी कुंडली क्या कहती है? शोभन, आपकी कुंडली है जी मेन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की, नवंबर 2022। अगले साल 10th का आपका एग्जाम, और पढ़ाई की ओर ज्यादा मन लगाने की जरूरत है, कमी नजर आ रही है शोभन, इस बात को समझिए। देखिए, इस समय अगर मन हट जाए तो इसका बुरा असर फिर बहुत दूर तक जाता है। अभी से अपना फोकस ऐसा बना लीजिए कि आपकी लगन बनी रहे पढ़ाई की, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, उसी से फिर सफलता मिलती है। आपकी कुंडली दर्शा रही है कि साइंस से आपका मन हट रहा है और आगे चल के आप ऐसा विचार बनाते चले जाए कि आप कॉमर्स ले लें, पर मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप साइंस के साथ जुड़े रह सकते हैं और साइंस नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स लेके भी आगे बढ़ सकते हैं। ये बस अपने मन को एक बार
फैसले के रूप में समझाने की जरूरत है, उसके बाद वो मेहनत बन जाएगी अगर आप कोशिश करें। तो इस तरह से आपको सोच के अब आगे बढ़ना, तो आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, उसमें आपका ध्यान कम लग रहा है तो ध्यान दीजिए ताकि बेहतर भविष्य की तरफ आप बढ़ पाए। तो ज्योतिष गुरु, जैसे कि यह साप्ताहिक राशिफल है, 7 दिनों की बात है, तो इन 7 दिनों में मिथुन और कर्क के लिए आप कैसा देख रहे हैं इन अगले 7 दिनों को, और ये क्या करें क्या ना करें? मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि किसी भी तरह का परिवर्तन इस समय आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति को संभालना इस समय वैसे भी कठिन है। शायद यही वजह है कि कामकाज से जुड़े हालात भी इस समय मध्यम बने। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हर चीज को बहुत धैर्य के साथ समझने की जरूरत पड़ेगी। चाहे काम या कारोबार में पैसे की बढ़ती हुई जरूरतें हों या पैसे के लेन देन से जुड़ा कोई भी विचार, आपको हर बात की बारीकी को समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, तभी जाके उस लाभ का पूरा फायदा मिल पाएगा जो आप अपनी मेहनत से इस समय बनाना चाहते हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? लाभ कमाने में या लाभ बचाने में देर सवेर हो सकती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी कोशिशों को किसी भी वजह से कम करते चले जाएं। अगर अपनी मेहनत से लाभ बन पाएगा तो बाकी चीजों को संभालना इतना कठिन नहीं होगा। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि लोगों ने आपको हर तरह से सहयोग दिया है और पहले से आपने सही योजना बना के अपने हालात को संभालने की कोशिश भी की है, पर अब आपके पैसे से जुड़े दबाव बढ़ सकते हैं और आपके अपनों की जरूरतें भी बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय? ऐसे लोगों से तालमेल बनाना होगा जो अपने दम पर कुछ करना चाहे, क्योंकि ऐसे लोगों से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए भी अच्छे लोगों की सोबत ही काम आती है। क्या ना करें इस सप्ताह में? काम से लाभ बना हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं, पर कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह की गलतफहमी उत्पन्न ना होने, जिसमें आपकी घबराहट छुपी हुई हो या आपका नुकसान छुपा हुआ हो, इसलिए यथास्थिति बनाए रखते हुए अपने काम से जुड़े रहें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, कुछ भी गलत नहीं रहेगा। तो यथास्थिति बनाए रखिए, अपने काम से जुड़े रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और देखिए, ज्योतिष गुरु कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में सब कुछ आपके हित में बनता चला जाएगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं और इसी ही कोशिश भी करेंगे। ज्योतिष गुरु, आगे सिंह और कन्या। सिंह राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है और हालात भी मददगार, पर लोगों से विचार नहीं मिल रहे। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपकी सफलता लोगों को खल रही है और आपकी जिंदगी की स्थिरता से भी लोग किसी न किसी रूप से ईर्ष्याई कर रहे हैं। जब भी लोगों की नजरों में कोई फेरबदल हो रहा हो तो खुद को धीमा बना लेना ही फायदेमंद। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिंदगी की बहुत सारी चीजें प्यार भाव से संभाली जा सकती है, पर उसके लिए अपने भटकते हुए मन को भी थामना होगा और अपने प्रबल होते हुए विचारों पर भी अंकुश लगाने की जरूरत पड़ेगी। तकदीर को आजमाने के बजाय अपना समर्पण बनाए रखने से ज्यादा फायदा होगा। आपकी अच्छाई की वजह से आपके दोस्त भी आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपके प्रति अपना योगदान देना चाहेंगे। क्या न करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसा जोखिम न उठाएं जिसमें कोई छुपा हुआ तकरार हो या किसी से उलझन पैदा होने का अंदेशा हो, क्योंकि आज की स्थिति ही ऐसी है जिसमें अपना धैर्य बनाए रखना ज्यादा जरूरी हो, ताकि किसी भी तरह की उत्तेजना के तहत आपसे कोई गलती ना हो। कन्या राशि वालों के हालात संभले हुए हैं, इसलिए मन चिंतित है कि क्या आगे तक आपके हालात संभले रहेंगे। ऐसा लगता है जैसे आप कुछ ज्यादा ही सोच के अपनी चिंताओं को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जबकि उसका कोई वाजिब कारण नहीं। क्या करना चाहिए सर? चाहे कामकाज का क्षेत्र हो या निजी जीवन के हालात, किसी भी तरह का बदलाव करने से बचना होगा। ये समय स्थिरता बनाए रखने के लिए ही अनुकूल है और अपने मन में धैर्य बनाए रखते हुए ही आप अपने रिश्तों को संभाल पाएंगे। अपनों के विचारों को समझने की भी कोशिश करनी होगी ताकि आप लोगों के प्रति अपनी सद्भावना बना सकें। क्या ना करें इस सप्ताह? कामकाज के क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज ना करें जिसकी बहुत अहम भूमिका हो। ऐसा करके आप अपनी जिंदगी में व्यर्थ की रुकावटें बढ़ाते ना चले जाएं। वैसे भी आपके साथी सहयोगी आपसे किनारा किए हुए, ऐसे में लोगों से उलझते चले जाना भी ठीक नहीं। तो साथी सहयोगी आपसे क्यों किनारा कर रहे हैं, क्यों लोगों से उलझाव पैदा हो रहे हैं, आपको इन चीजों को समझना होगा और इन्हें दूर करना होगा और आप कर पाएंगे दूर। ज्योतिष गुरु, अब सवाल लेते हैं और सवाल हमारे सामने है जूली का। डेट ऑफ बर्थ 4 जून 1995, 8 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है, नोएडा यूपी।
जानना चाहती हैं कि जॉब स्विच करने का, जॉब चेंज करने का सही समय कौन सा होगा और शादी कब तक हो सकती है, क्या उनसे हो सकती है जिनको ये पसंद करती है। जूली आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कर्क राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा चल रही है राहु की सितंबर 2022। कब तक जॉब चेंज करना संभव होगा ये आपका मुख्य सवाल इस समय होना चाहिए, क्योंकि कैरियर बनाना इस स्टेज पे जब आप इस दौर में हैं बहुत अहम बात है इस समय। और आपको एक मौका मिल सकता है जी जॉब चेंज करने का अगस्त से दिसंबर 2020, कोशिश करिएगा। और जहां तक आपने शादी की बात कही है तो शादी बहुत जल्दी होने है, अभी आपको 2 साल रुकना चाहिए, वैसे भी आपकी उम्र कम है, कोई ऐसी देरी नहीं हुई है, 2 साल रुक जाए और उसके बाद एक शादी का अच्छा समय में आ जाएगा। पर उस समय वो जो शादी का समय है वो आपकी इच्छा की शादी नहीं दर्शा रहा, वो अरेंज मैरिज दर्शा। तो अगस्त से दिसंबर ये वो समय होगा जब आप जॉब चेंज कर सकती हैं और इस समय सारा कॉन्सेंट्रेशन आपकी जॉब पे ही होना चाहिए। शादी में थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 2 साल का वक्त है और तब बहुत उम्मीद है कि चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी हों, रिश्तों के मामले में भी जो कुछ है वो भी शायद क्लियर हो चुकी है और तब मुमकिन है कि सबकी मर्जी से ये शादी हो। आगे बढ़ते हैं, तुला और वृश्चिक अब आपके लिए देखते हैं ये सप्ताह कैसा है, आपको क्या इशारे कर रहा है ये सप्ताह और इन 7 दिनों के लिए आप क्या करें या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वाले जितना लोगों की आलोचना करेंगे उतना ही लोगों के विचार आपके प्रति सख्त होते चले जाएंगे, जबकि सच्चाई है कि लोग आपके खिलाफ नहीं है पर आपको इस समय लग रहा है कि आप ही हर बात में सही। क्या करना चाहिए इस सप्ताह, जिंदगी की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने ही पड़ते और मेहनत भी करनी ही पड़ती, लोगों का सहयोग पाने के लिए भी अपनी विनम्रता को बढ़ा लेने से इस समय फायदा हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में, लोगों से तालमेल बनाने के प्रयास में आप अपना अहंकार न दर्शाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप अच्छी भली स्थिति को बिगाड़ते चले जाएंगे, काम काज को भी सिर्फ लाभ की नजर से ना देखते चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से भी आपका पैसा कहीं फंसता चला जाएगा और इस समय वही ठीक है। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि लोगों की अच्छाई के पीछे भी किसी न किसी तरह की तकरार की स्थिति छुपी हुई हो सकती है, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आप भी अपने अंदर उस तरह का परिवर्तन नहीं ला पा रहे जिसकी जरूरत, अपनी ही धुन में कुछ भी कह लेना या कुछ भी कर लेना ठीक नहीं। क्या करना चाहिए सप्ताह, काम हो या काम से जुड़ा लाभ हो किसी भी तरह का मतभेद आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें, किसी भी चीज को रफ्तार देने में या किसी भी तरह की बहस में पड़ने से नुकसान हो सकता है, अगर हालात को संभाले रखना है तो जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलना देते। क्या ना करें इस सप्ताह, कामकाज के क्षेत्र में कितना भी दबाव क्यों ना हो किसी भी बात को बिगड़ने ना दें, इस बात को लेके भी परेशान ना होते चले जाएं कि पीठ पीछे क्या हो रहा है, किसी भी छोटी बात को इस समय बेकाबू होने देना भी ठीक है। छोटी छोटी बातों को समझने की जरूरत है ताकि ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ये आगे बढ़कर बेकाबू ना हो जाए। जो तो शुरू अब हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि हालात बेकाबू ना हो और नहीं ही होंगे क्योंकि आपका साथ है। तो धनु मकर इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। धनु राशि वालों ने पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद अपनी और अपनों की जरूरतों को पूरा करने में कमी रखी, यही वजह है कि अच्छी भली पैसे की स्थिति के बावजूद आपकी मुश्किलें बढ़ी हुई, किसी न किसी नुकसान की स्थिति जैसे हमेशा बनी रहती है। क्या करना चाहिए सप्ताह, किसी प्यार के रिश्ते को संभाले रखने के लिए भी अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने होंगे, पर अपनी बात इस रूप से कहनी होगी जो लोगों को समझ भी आए, आपके अपनों के विचार बार बार बदल सकते हैं और ये एक ऐसी स्थिति है जिससे बचने की। क्या ना करें सप्ताह में, हालात इसलिए मददगार है क्योंकि आप अपनी प्राथमिकताओं को समझ पा रहे हैं और उसमें काम और काम से जुड़ा प्रदर्शन बनाए रखना बहुत जरूरी है, काम काज से जुड़े हालात को संभाले रखना है तो उसमें पैसे से जुड़ा कोई तकरार ना हो बनना। मकर राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसमें आपको अपनों का सहयोग चाहिए पर आपके अपनों के विचार बहुत सख्त होते चले जा रहे हैं, कुछ आपकी गलतियों से भी हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, इस बात को समझिए ताकि गलती से बचा जा सके और हालात को संभाला जा सके। क्या करना चाहिए सप्ताह, आर्थिक स्थिति ठीक है पर आपके व्यवहार में बहुत सारा उतार चढ़ाव जिसकी वजह से लोगों से तालमेल बिगड़ सकता है, जो आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी बहुत सारी छुपी हुई परेशानियां हो सकती हैं जिन्हें संभालना तो पड़ेगा। क्या ना करें सप्ताह,
रिश्तों से जुड़ा रोजमर्रा का तकरार हो सकता है, पर उसे इतना ना बिगाड़ें कि उसका बुरा असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर पड़ना शुरू हो। कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग आज आपके लिए मददगार हैं कल को वो भी आपसे दूर हटते चले जाएं। बहुत जरूरी है ये कि जो ऐसी परिस्थितियों में आपके लिए मददगार बने हुए हैं उन्हें अपने साथ ही रखिए, उन्हें दूर किसी भी परिस्थिति में मत होने दीजिए, हम होने भी नहीं देंगे। खैर आगे कुंभ और मीन राशि ज्योतिष गुरु, तो ये सप्ताह कैसा देखते हैं आप कुंभ और मीन के लिए, इन्हें इन बदली परिस्थितियों में इन 7 दिनों के लिए क्या प्लानिंग करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है? कुंभ राशि वाले समझ लें कि जिंदगी की खुशियों को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए जिंदगी की स्थिरता बनाए रखना भी आपकी इस समय की प्राथमिकता हो सकती है। लोग भी कुल मिला के आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी बात को समझ पा रहे हैं, पर इस समय की परेशानी है कि आपने किसी ना किसी रूप से लोगों से फासले बना रखे। क्या करना चाहिए सप्ताह? कामकाज से जुड़ी स्थिरता बनाए रखेंगे तो बहुत कुछ वैसे भी संभला रहेगा। अपने साथी सहयोगियों से तालमेल भी बनाए रखने की कोशिश करनी हो। किसी भी तकरार भरी स्थिति को संभाले रखना मुश्किल ही होता है, फिर भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें सप्ताह? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो अपने मन में किसी भी तरह की घुटन न पैदा करें और ना ही ये सोचे कि कुछ भी रातों रात संभव हो पाएगा। किसी भी चीज को बनने और पनपने के लिए वक्त लगता है, इसलिए रातों रात कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं जो आपके हालात को बदल दे। मीन राशि वालों की कोशिशें अच्छी हैं जिसका फायदा आपको समय के साथ मिल सकता है, पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास में कमियां नजर आ रही हैं, जिसके चलते कुछ भी पाने में वक्त लग सकता है। अपनी कमियों को समझेंगे तभी अपने हालात को भी संभाल। क्या करना चाहिए सप्ताह? अगर अपने पैसे को बचाए रखना है तो किसी अच्छे निवेश का सोचें। अगर उसके लिए कुछ ज्यादा पैसा जुटाना पड़े तो वो भी प्रयास कर लें, पर वो निवेश अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं को हटा के ही संभव हो पाए। क्या ना करें सप्ताह? किसी प्यार के रिश्ते को इतना भी बढ़ावा ना दें कि कोई बात बिगड़ती चली जाए। अपने साथी सहयोगियों के साथ या अपने जीवन साथी के साथ किसी ऐसी बहस को ना बढ़ाएं जिसमें आप अपनी जिद पर अड़े रहें और अपने हालात को व्यर्थ में बिगाड़ते चले जाएं। तो किसी जिद पर अड़कर अपने हालात नहीं बिगाड़ लेने, आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है। वैसे हम हैं हर रोज आपका ध्यान उस तरफ दिलवाने में। ज्योतिष गुरु, जैकपॉट की बारी रह जाती है तो किसके नाम खुलता है जैकपॉट, किसके लिए है खास उपाय? कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह में खास ये है जी कि हर सूरत में निजी जीवन का सुख और सुकून बनाए रखें, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी भी तरह की बिगड़ती हुई स्थिति को संभाल पाएं। पर साथ ही साथ ये प्रयास भी बनाए रखें कि आप अपनों से नजदीकियां बनाएं और उन्हें समझने की कोशिश कर लें। अगर अपनों से दूरियां बना ली जाएं तो उसका बुरा असर बहुत दूर तक पड़ता है। तो अपनों के करीब रहें और खुशियों को बनाए रखें, यही कोशिश होनी चाहिए और यही कोशिश हम सबकी होनी चाहिए। ये दौर ऐसा है जिसमें हमें मौका मिला है अपनों के पास आने का, उन्हें समझने का, उन्हें प्यार करने का और रिश्तों को सहेजने का। सर आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब आप भी नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल हम तक, आपके तारे @aajtak.com। सवाल भेजिए, वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो कल इसी समय फिर से होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।